बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। होता ऐसे है कि आज तक हमें ये गिला रहता है कि हमारी कोई बात सीक्रेट नहीं रहती। हम मीटिंग करते हैं लेकिन आपके अवाम के नहीं, हमारे जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं इनके इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं कि अभी बात हो रही होती तो बात बाहर निकल आती है। लेकिन लगता है ऐसे है कि इस मरतबा आपके जो पंजे हैं वो पाकिस्तान में तो हैं लेकिन रूस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो आपने खबरें दी हैं उनका तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी हद तक हमें फ़ायदा हो गया कि खबर निकली नहीं, जिसकी वजह से हमारी जो निगोशिएशन थी वो बड़ी शानदार रही। लेकिन किसी हद तक मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है कि आपके तो पंजे हर तरफ दुनिया में गड़े हुए हैं तो ये रूस में कैसे नहीं आप पहुँच पाए। लेकिन मैं आपको और आपके तवसत से अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारा रूस का दौरा जो है वो बहुत हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रहा है, और उसकी तफसीलात मैं आपके सामने अभी पेश करूँगा। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रूस का दौरा या दीगर जो दौरे हैं जिनका मैं अब हर हफ्ते आपके सामने लेकर आऊँगा कि हमारी आज़रबाईजान से क्या बात हो रही है, हमारी तुर्कमानिस्तान से क्या बात हो रही है, हमारी काजख्स्तान से क्या बात हो रही है, हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और एक वीकली डीब्रीफिंग भी का सिलसिला भी हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन रूस का जाना इसलिए बहुत अहम था कि वज़ीर आज़म ने बड़े साफ अल्फाज में ये कहा कि देखो, मेरे जहन के अंदर एक खाका है, और खाका ये है कि यहाँ पे हर नौजवान जो बाहर निकलता है स्कूल से कॉलेज से उसके पास नौकरी हो, ये है खाका। और मेरे जहन में खाका है कि ये जो कारखाने आज बंद हो जाते हैं, कभी लोड शेडिंग, कभी कैप्टिव पावर, कभी नॉन कैप्टिव पावर, ये ऐसा नहीं चलेगा। इन कारखानों की चिमनियों से तो हर वक्त धुआं निकलना चाहिए, क्योंकि उसी धुएं की वजह से लोगों को रोजगार मिलता है। और ये जो किसान है, जो हर मर्तबा हम बैठते हैं और कहते हैं कि डीजल है, हार्वेस्टिंग का मौसम आ गया है, नहीं है, फर्टिलाइजर है या नहीं है, फर्टिलाइजर कितना इंपोर्ट करना है, गंदम में हम खुद कफील हैं या नहीं है, यह दास्तान अब खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान को ज़रात में खुद कफील होना होगा, ये वजीर आजम का हुक्म है, रिजॉल्व है। पाकिस्तान को आने वाले वक्त में जो तरक्कियाती मंसूबे हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है, उनकी चिमनी से हर वक्त धुआं, साफ धुआं, क्लीन स्मोक, जो एनवायरमेंटली साउंड हो, लेकिन बहरहाल उनकी चिमनियां और उनकी मशीनें हर दम चलनी चाहिए। और हमारे जितने बच्चे, चाहे वो हाई स्कूल ख़त्म करें यानी 10वीं जमात पास करें और 12वीं जमात पास करें, या कॉलेज करें या यूनिवर्सिटी करें, हर एक के लिए नौकरी होनी चाहिए, हर एक के लिए। ये है हुक्म वज़ीर आज़म का। अब हमारे महकमे से इसका ताल्लुक ये है कि अगर ये है वो विजन जो हमने पूरा करना है, तो हमारी जो तरक्की की शरह है उसको तो बढ़ना होगा ना। ये एक एक दो दो फीसद के हम कभी सिफर पे चले गए, कभी दो पे आ गए, ये तो सब रुकना होगा, और एक सलीके से 5-6-7% के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ना होगा। मईशत बढ़ेगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी तो ये तमाम लोग जिनकी आंखों में उम्मीदें हैं, जब वो डिग्री लेकर निकलते हैं वो कहां जाएंगे उम्मीदें लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे महकमे यानी पेट्रोलियम और गैस और पावर और एनर्जी का इससे क्या ताल्लुक है। पूरी दुनिया में हर 1% मुआशी तरक्की के लिए, इजाफी 1% मुआशी तरक्की के लिए 1.5 से 2% ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है मुख्तलिफ ममालिक में, बिकॉज बाज ममालिक ऐसे काम कर रहे होते हैं जो बड़े एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, बाज ममालिक ऐसे काम कर रहे होते हैं जो एनर्जी इंटेंसिव नहीं होते या कम होते हैं। मगर हर दो सूरतों में हर 1% जो आपकी तरक्की होती है उसके साथ कम अज कम 1%, कम अज कम, जो बिल्कुल जहां पर कोई एनर्जी इंटेंसिव काम नहीं हो रहा होता,
आपको इजाफी एनर्जी चाहिए, इजाफी गैस चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, डीजल चाहिए, बिजली चाहिए, और ज्यादातर मुमालिक में 1.5 से 2%। यानी अगर आपने 5 से 6% तरक्की करनी है मुल्क ने इन बच्चों को रोजगार देने के लिए और माओं की आंखों में जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने के लिए, अगर हमने यह सब कुछ करना है तो हमें हर साल अपनी एनर्जी में 8-10% इजाफा कम अज कम करना होगा। तो हमारे तो यह गुमान में बात नहीं आती कि वो कौन सी हुकूमत थी जो कह रही थी कि हम तो एनर्जी सरप्लस हैं, कोई जरूरत नहीं एनर्जी लगाने की। अरे भाई, क्या आपने तरक्की के दरवाजे बंद कर दिए थे? आपने सोचा अब इस मुल्क में कभी तरक्की नहीं होगी? जो हुआ, कुछ उसमें कोविड ने हिस्सा डाला, कुछ कोविड से पहले भी हिस्सा डाला, मगर हमारी तरक्की जो है वो तक सिफर पे आ गई, लेकिन बगैर किसी पुरानी हुकूमत की बात किए। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें तरक्की करनी है, तो हमें एनर्जी चाहिए, हमें तवानाई चाहिए, और अगर हमें 5 से 6% हर साल तरक्की करनी है तो हमें 8 से 10% हर साल तवानाई जो है वो बढ़ानी होगी। इस वजह से हम मुख्तलिफ मुमालिक में जा रहे हैं और उनका तज्जिया मैं वक्तन फवक्तन आपके सामने अब लाता रहूंगा। आज मैं आपके सामने इस विजन को सामने रखते हुए जो वजीर आजम ने हमारे सामने हमें बताया है कि यह आपका काम है, आपकी नौकरी है कि इसको पूरा करें, उसको सामने रखते हुए मैं आपको तफसील देना चाहता हूं रूस के हमारे जो विजिट दौरा हुआ है उसकी। चीदा चीदा चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा। नंबर एक, रूस ने यह फैसला किया है कि वह हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा। क्रूड यानी वो खाम तेल जिसके जरिए हमारे कारखाने, रिफाइनरीज यहां पे डीजल और पेट्रोल बनाती हैं, उसके अंदर जितना भी बैनुल अक्वामी सतह पे जो डिस्काउंट चल रहा है यानी कम कीमत जो मिल रही है तमाम दुनिया के ममालिक को, बिल्कुल उसी तरह या उससे ज्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। ये पहला हमारा उनके साथ हमारी बातचीत तय हुई है। दूसरी चीज जो हमारी उनके साथ तय हुई है वो ये है कि पेट्रोल और डीजल, जो खाम तेल नहीं है, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, और बिलखसूस डीजल जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रूस पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल दोनों कम कीमत पे डिस्काउंट के ऊपर देगा, और उतना ही डिस्काउंट जितना किसी को भी दुनिया में मिल रहा है। तीसरी चीज, इस वक्त रूस के पास जब हमने उनकी सरकारी कंपनियों से बात की तो एलएनजी मौजूद नहीं थी, क्योंकि एलएनजी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप सबको मालूम है कि पिछले साल तक तो हम सब सोचते रहे कि एक चीज है जिसका नाम है ग्लोबल फैब्रिक। हमें सारी दुनिया के मुमालिक ये बताते रहे कि भाईजान एक ग्लोबल फैब्रिक है, और उस ग्लोबल फैब्रिक में हमने सब ने, पूरी दुनिया ने क्लाइमेटिक चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमने वी हैव टू गो ग्रीन, यानी हमने अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी। हम भी भोलेपन में उनकी बात मानते रहे, तो पता क्या चला कि जैसे ही बंदिश आई तो उन तमाम ने तो अपने कोयले के कारखाने खोल दिए और हम बैठे रह गए, और उन तमाम ने तो पूरी दुनिया की एलएनजी खरीद ली, लेकिन जिस कीमत पर खरीदी उस पर हम तो नहीं खरीद सकते थे। तो वो तमाम तेल, वो तमाम एलएनजी, वो तमाम गैस जो एक ग्लोबल फैब्रिक का हिस्सा था, हमें पता चला ग्लोबल फैब्रिक तो क्या भाई, वो तो हमें पैच भी नहीं समझते ग्लोबल फैब्रिक के ऊपर, यानी एक पैबंद भी नहीं समझते ग्लोबल फैब्रिक पे, तो उनका कोयला कोयला और हमारा कोयला, कोई जवाब नहीं। तो हमने ये फैसला किया कि हम अपने मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए और बैनुल अक्वामी तमाम कवायद और ज़वाबित को सामने रखते हुए एक इंटेग्रिटी वाली कौम की तरह, हम जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए जिस चीज़ में हमें ज़रूरत है उसके लिए हम अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, और ये उसी का एक हिस्सा है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है किसी और मुल्क का,
ये सिर्फ पाकिस्तान का जो मुफाद है, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के गरीब लोगों का जो मुफाद है, हम उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तमाम कवायद व जवाबित की पाबंदी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह एनर्जी की प्रॉब्लम पाकिस्तान जो है उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो जहां पे उनके पास एलएनजी कम थी या नहीं थी, वहां पे उनकी कुछ प्राइवेट कंपनियों से उन्होंने हमारी मुलाकात करवाई जो उन्हीं के वफद का हिस्सा थी, जिनके पास कुछ एलएनजी मौजूद है, तो उनसे हमारी बातचीत एलएनजी के लिए शुरू हो गई। उनकी सरकार, रूस की सरकार जो है, वो नई एलएनजी की ट्रेन्स लगा रही है, यानी एलएनजी बनाने के कारखाने दो नए लगा रही है, और उन्होंने हमें दावत दी है पाकिस्तान को कि आप अभी से उनके साथ, हम उनके साथ 2025-26 के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करने शुरू कर दें, और हमारे पास आपको मालूम है जैसे कतर में हमने मुआहदे किए हैं जो पाकिस्तान के लिए रियली लाइफ लाइन साबित हुए हैं, उसी उन्हीं को सामने रखते हुए हम नए मुआहदे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करने की कोशिश करेंगे। वो अब गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो क्रूड मैंने खाम तेल का बता दिया, डिस्काउंटेड खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर से फौरी तौर पे गुफ्तगू शुरू एलएनजी के लिए, और उनकी सरकारी जो एलएनजी के नए कारखाने हैं उनके साथ अब हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने पेश किया है। यही नहीं, सिर्फ ये तो अभी मैंने आपको चार चीज़ें बताई हैं, अब आपको अंदाज़ा होगा आपकी खबरें कितनी गलत तो नहीं मैं कह सकता, आप सब सामने बैठे हुए हैं, मगर सही साबित नहीं हुई। हमने उनसे बहुत सी गुफ्तगू की पाइपलाइन पे, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पाइपलाइंस के अंदर। कुछ हमारे पुराने मुआहदे जिनकी उन पे मैं क्या तबसरा करूँ, मुनासिब नहीं, मगर बहरहाल हमारे मुआहदे कुछ अग्रीमेंट्स, पूरी तरह तो कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स तो नहीं है, मगर पर बड़ी पुरानी गुफ्तगू है जो चल रही है, तो उस पर भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई, और हमने कुछ उनसे दरख्वास्त की कि आप हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम कमिटेड हैं, हम इन मुआहदों पे काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और उनके ऊपर अब काम चल रहा है। तो दो बड़ी जो हमारे मुआहदे हैं, एक हमारी वो जो पाकिस्तान स्ट्रीम जिसको नॉर्थ साउथ पाइपलाइन कहते हैं, और एक बड़ी पाइपलाइन, अगर किसी वक्त बैनुल अक्वामी मामलात तय होते हैं तो हमें अगर इंटरनेशनली पाइप गैस चाहिए हो तो उसके लिए किस किस्म की पाइपलाइन चाहिए होगी, उन पर भी गुफ्तगू शुरू हो गई। तो अब आपके सामने मैंने वो पूरा जो मुकदमा था रशियन विजिट का आपके सामने रख दिया। समरी दोबारा पेश करता हूँ, डिस्काउंटेड क्रूड खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं, उनकी सरकारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की गुफ्तगू शुरू हो गई है, और उसके अलावा पाइपलाइंस के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं, और हमने इस मर्तबा एक डेडलाइन तय किया था कि अब बात हवा में मुअल्लक ना रह जाए। एक इंटर गवर्नमेंटल उनका वफद आ रहा है जो उनके एनर्जी मिनिस्टर लेकर आएंगे, वो जनवरी के मिडल में आ रहा है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये तमाम चीज़ें उस वक्त तक एक ख़ास शक्ल, ऐसी शक्ल इनको दी जा सके कि उनकी एग्जीक्यूटिव समरी या उनका कोई जो एग्रीमेंट है उसे साइन किया जा सके। ये तो रह गई एक बात, अगर आपकी इजाज़त हो तो सबसे ज़्यादा जो लोगों के दिल के करीब है, मैं वो भी बात आपके सामने एक हाई लेवल पे कर दूं, वो है गैस की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे जो अपने ज़खायर हैं, हर साल 8-10% यानी डिपेंड करता है, कभी को ज़खीरा निकल आता है कभी नहीं, मगर हर साल हमारा 8-9% डिप्लीशन हो रहा है, यानी जो हमारी अपनी गैस जो हमारे कुओं से निकलती है वो हर साल 8-10% कम होती जा रही है। इस साल उस कमी के बावजूद पूरे नवंबर के अंदर पिछले साल से हमने ज़्यादा गैस हमारे पास थी और हमने पहुंचाई, दिसंबर में हमारे पास पिछले साल से ज़्यादा गैस है और हम पहुँचा रहे हैं, और जनवरी में पिछले साल से ज्यादा हमारे पास गैस है जो हम पहुंचा रहे हैं डिप्लीशन के बावजूद। अभी हमने बड़े साफ और रोज हम इसको ट्रैक करते हैं, हमने अपनी कंपनियों को यह कहा हुआ है कि वो जिसको प्रोफाइलिंग कहते हैं, या जिस वक्त चूल्हों के अंदर गैस आने का प्रेशर इतना कम हो जाता है या चूल्हे नहीं चलते, तो हमने ये कहा कि देखे भाई,
आप कुछ भी करें, सुबह 6 से 9 बजे जब नाश्ते का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए। 12 से 2 बजे जब दोपहर का खाना बनाने का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए। और 6 से 9 बजे रात को जब खाना रात का बनाने का वक्त होता है तो उस वक्त गैस आनी चाहिए। ये हमने उनसे कमिटमेंट लिया है जिसको हम रोज ट्रैक कर रहे हैं। एसएमएस लेवल पे, एसएमएस आप ऐसे समझ लें कि वो एक मीटर होता है जो हमें बताता है कि इन पाइपों के अंदर से कितनी गैस गुजर रही है। सेक्रेटरी साहब और मैं रोज सुबह हम उठ के उन पाइपों से जो गैस गुजर रही होती है उसका तज्जिया करते हैं कि वाकई गैस गुजर रही है या नहीं गुजर रही। मगर पिछले साल से हम ज्यादा गैस दे रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और हमें कमिटमेंट है कंपनियों की तरफ से कि ये जो औकात मैंने आपके सामने रखे हैं, जो घर में खाना वाना बनता है, तो मैं दोबारा बता दूं, सुबह 6 से 9 बजे तक, 12 से 2 बजे दोपहर तक, और रात को 6 से 9 गैस इंशाल्लाह आएगी। मगर हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं जो पुराने हैं, जो 2-3 महीने में नहीं ठीक हो सकते, कि जो हमारे जहां पर तो गैस शुरू होती वहां पर तो पूरे प्रेशर से आती, मगर वो इलाके जो दूर उफ्तादा हैं जहां पे पहुंचते 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 गैस बहुत कम रह जाती है, उन इलाकों के अंदर बाज मर्तबा कमी रह जाती है। ये कमी पूरा साल रहती है, ये सर्दियों में नहीं, सर्दियों में बढ़ जाती है, मगर ये कमी पूरा साल रहती है। तो इन कंपनियों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए ताकि ये कमी दूर हो। मगर इस दौरानिए में आपको मैंने बताया है कि इन जगहों पे जहाँ पे दूर उफ्तादा इलाके जहाँ पे गैस नहीं पहुँच पाती, सारा साल नहीं पहुँच पाती प्रेशर की वजह से, वहाँ पे इजाफी एलपीजी दी जा रही है। और 20 सरकारी कंपनियाँ जो हैं, एसएसजीसी, पर्ल पार्को, पीएसओ, एसएनजीपीएल, ये 20,000 टन महाना, इससे भी ज़्यादा एलपीजी मंगवा रहे हैं हर महीने, ताकि इन खास इलाकों में जहां पहले दुकानें नहीं थी, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, एसएनजीपीएल तो करती नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने उनकी ज़बरदस्ती शुरू करवाई और माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त। तो उन इलाकों में जहां गैस नहीं है वहां पे हम ये एलपीजी दे रहे हैं। अब मैं आपको जाते जाते ये भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने 2 मिलियन पाउंड की एलपीजी पाकिस्तान को मदद में देने का ऐलान किया है और हमारी उनसे निगोशिएशंस मुकम्मल हो गई हैं, और इस 20,000 टन के अलावा 2 मिलियन पाउंड्स की जो इजाफी एलपीजी है वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में आ जाएगी, ताकि दिसंबर के महीने में, जो ज़रा सख्त दिसंबर और जनवरी के सख्त महीने होते हैं, उनमें भी इंतज़ाम किया जा सके। तो 3 चीज़ें भाई, बेहतरीन रूस का दौरा, नंबर 2 पूरी कोशिश कर रहे हैं लोड मैनेजमेंट की, औकात मैंने आपको बता दी हैं, तरीक़ाकार भी मॉनिटरिंग का बता दिया है, नंबर 3 एलपीजी जो है उसका इंतज़ाम किया है, हमारी कंपनियों ने एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है, कुछ ने बढ़ाई है, कुछ ने नई शुरू की है, और 2 मिलियन पाउंड की इजाफी एलपीजी जो है अगले 10 दिन में हमें मिलेगी ईरान से। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो अगर इतना खुफिया है तो मैं आपके सामने बैठा क्यों, ये तो शुक्र करें खुफिया था तो हो गया, वरना आपने तो उड़ा देना था नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, नहीं ऐसी बात नहीं, शायद रूस दूर था, कुछ हमारी निगोशिएशंस चल रही थी, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी बात जब तक कंक्लूड नहीं होती, हम लोग एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करते तब तक कोई ऐसी बात ना बाहर निकले जिससे निगोशिएशंस को नुकसान पहुंचे, उसमें कोई खुफिया नहीं था। अगर आप वहां पे होते या पाकिस्तान के करीब होता तो यकीनी तौर पे आपको जैसे यहाँ खबरें मिल जाती वहाँ भी मिल जाती। इस दफ़ा मुझे आपसे सवाल पूछना जी, आपको खबर गलत कहाँ से मिली? चले खबर ना मिलना तो एक बात थी, मगर ये खबर गलत कहाँ से मिली, और ये खबर गलत रिपोर्ट कैसे हो गई? आप ज़रा जाके अपने रिसोर्सेज टटोलिए जिन्होंने आपको ये खबर दी। अभी 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 मैं आता हूँ, हाजिर होता हूँ, लेकिन ये कुछ बातें मैं आपसे कुछ अजराए मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, जो खाम तेल है इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म है भाई,
या पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, डीजल है या गैसोलीन है, इसमें क्या लॉन्ग टर्म है? या एलएनजी अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से मिल जाता है तो इसमें क्या लॉन्ग टर्म है? हाँ, पाइपलाइनें कुछ लॉन्ग टर्म है और कुछ एलएनजी के जो हमारे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स होने हैं वो कुछ लॉन्ग टर्म है, वरना तो इसमें से कुछ लॉन्ग टर्म नहीं. जो जितना मैंने आपको कहा है, इट्स हेयर एंड नाउ. बता तो दिया. जी देखिए, मैंने तो आपको कहा है कि कुछ इंटर हुकूमतों के दरमियान, जरा एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, हुकूमतों के दरमियान में जो मुआहदे हैं उनको अमली शक्ल देने में जितना एक दो चार हफ्ते, मैंने तो आपको डेडलाइन भी बता दी है कि हम बात करके आए हैं कि जनवरी में उनका एक कमीशन यहाँ पे, उनके वजरा का एक डेलीगेशन आ रहा है. हमारी कोशिश होगी कि कम अज़ कम इनको कुछ शक्ल ऐसी दे दी जाए कि उसके बाद आने वाले वक्त में हम तेल और खाम तेल तो ले सकें, डीजल ले सकें, पेट्रोल ले सकें, खाम तेल ले सकें. तो इसमें तो हमें नहीं कोई नज़र आ रहा कोई भी लॉन्ग टर्म चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़. जब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल साइन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इतना डिस्काउंट है और ये टाइम फ्रेम है, मगर अभी वो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है. लेकिन मैंने आपको डेडलाइन बता दी कि जनवरी में वो आ रहे हैं और उस वक्त तक उसको शक्ल देनी होगी. दूसरा, आपने क्या बात की, ईरान नहीं, इसका ईरान पाइपलाइन से कोई ताल्लुक नहीं. ये तो इंसानी हमदर्दी पे 2 मिलियन यूरोज की वो दी है पाकिस्तान को एलपीजी सर्दियों, क्योंकि शिद्दत बहुत ज़्यादा है सर्दियों में और पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि भी मौजूदा हालात में काफ़ी तबाही भी आई है. तो इंसानी हमदर्दी के की बुनियाद पे ये इजाफी एलपीजी आ रही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी पाइपलाइन से. जी वो तफसीलात सारी जो हैं, अब जब हमारी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट होगी, उनकी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट होगी, तो ये तमाम कमर्शियल तफसीलात के कितने की मिलेगी, किस वक्त मिलेगी, किस पोर्ट पे आएगी, ये तमाम तफसीलात अभी तय होंगी. देखिए, आप ये तो आपने आपके सवाल में ही उसका जवाब था मुजमिर, कि अगर ये जितनी मैंने आपके सामने गुजारिशात रखी हैं, अगर इनमें से कुछ भी हो जाएं, दो तिहाई भी हो जाएं, तो क्या होगा? तवानाई की कीमत कम होगी. तो फिर क्या होगा? महंगाई कम होगी. तो फिर क्या होगा? लोगों को सहूलत मिलेगी. तो फिर क्या होगा? इलेक्शन में जाएंगे तो अल्लाह कामयाबी देंगे. तो ये सारे सवालात का जवाब जो है वो आपके सवाल में ही था. कोई एक आध चीज़ छोड़ देते तो मैं भूल कहीं भूल भुलैयों में खो जाता, लेकिन आपने अपने सवाल के अंदर ही तमाम जवाब दे दिए. देखें, इलेक्शन से गर्ज नहीं है, हम अपने आपके लिए भी और हमारे लिए भी फ़र्ज है मुल्क बचाना. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. हम ऐसा नहीं कि कोई अल्लाह बहुत कामयाबी से नवाज रहे हैं हमें, लेकिन हम एक एक करके आगे चल रहे हैं, हर जगह जाते हैं, आपको आके बताते हैं. अभी मैं आपको आज़रबाईजान में आने वाले वक्त में बताऊंगा हमने क्या किया है, तुर्कमानिस्तान में क्या किया है, काजकस्तान में क्या किया है. तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहूँगा, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं. अल्लाह ताला करम करेंगे और बाकी अवाम की अदालत है. अवाम हमें चाहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता, अवाम नहीं चाहेंगे तो हम आ नहीं सकते. तो वो तो अवाम की अदालत है, जैसे खुलेगी पता चल जाएगा. मलिक सही साहब बोल रहे हैं सर. मलिक सर, पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह एक अच्छा आपने वादा किया. सर पूछना ये था कि इससे पहले जो है हमेशा आपने यही कहा कि रशिया जो है वो हमें तेल और गैस के हवाले से कोई ऑफर नहीं दी, फिर आपकी तरफ से एक बयान आया कि हमने खत लिखा है, खत का जवाब भी नहीं दिया. ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकदम आप घेरे जाके मुआहदा भी किया और रशिया ने तमाम जो है एग्रीमेंट भी कर दिए? और दूसरा सर,
देखें देखें वो इधर भी कुछ वो नाराज़ हो रहे हैं बहुत लोग यहाँ पे इस तरह। ठीक, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुबारकबाद दी। एक यकदम क्या हुआ है, यकदम हुकूमत बदली, और क्या हुआ है, हुकूमत बदली, मुआहदे हो गए, जहाँ पे जा रहे हैं यही हो रहा है। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं पिछले 3 साल में कुछ नहीं हुआ, हुकूमतों का नाम लेना मायूब है, लेकिन आप यकीन माने जहाँ जाते हैं वहाँ पे 2 सवाल होते हैं। एक, पिछले 3 साल कुछ नहीं हुआ, हमारे सवालात का जवाब भी नहीं दिया गया, और ऐसे लगता था कि जो इस इब्तदाई तौर पे जो मैंने आपको बताया उसकी वजह ये थी कि शायद दीगर ममालिक जो हैं वो भी दिल हार चुके हैं कि ये शायद नॉन सीरियस से लोग हैं, ये शायद बातें करते फिर फॉलो अप नहीं करते, और हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पिछली हुकूमत का अपना मिजाज था, हमारा थोड़ा मुख्तलिफ है, ज़रा ज़्यादा बेचारा ग्राउंडेड सा अंदाज है, तो हम चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं, और हमें कोई ऐसी एरोगेंस नहीं है, हम जाते हैं और बिल्कुल जैसे आपके साथ बात कर रहे हैं इसी तरह उनके साथ बात करते हैं, ना हमें किसी से दबने की ज़रूरत है, ना हमें किसी को दबाने की ज़रूरत है। भाई हमें तेल चाहिए, आपने तेल बेचना है, हम तेल खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, अब इसमें दबने दबाने की क्या बात है। तो जितना आप चीज़ों को सिंपल रखें और जितना आप जाके इंटेग्रिटी के साथ फॉलो अप भी करें और मुआहदे भी करें, उतनी अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे, और यही हम कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, किसी हद तक एक है क्लाउड कि शायद ये मुल्क नॉन सीरियस है, और उसकी वजह हर एक यही कहते हैं कि हम 3 साल से इतने खत लिखे, 3 साल से ये हुआ, जो मैंने आपको पहले बात की थी, आप मेरी मत सुने, जो यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था ईरान के सफ़ीर का, आप वो इंटरव्यू दोबारा चला लें, मुझसे आप क्यों पूछते हैं कि पहले क्या हुआ था। आपको किसी कागज़ में नज़र आया कोई पहले मुआहदा, किसी जगह पे कोई कागज़ था, किसी सफ़ीर ने आपको आके कहा? लेकिन अब कोशिश की है, 2-4 महीने लगे हैं तो बात खुल गई है, हर तरफ खुलती चली जा रही, जो मेहनत करेंगे तो काम होता चला जाएगा। पहला सवाल क्या था? हाँ, मुआहदे नहीं, मैंने तो आपको आपके सामने सारी बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने यही बताने के लिए कंसेशनल रेट्स के ऊपर हमें जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तारीख जिस दिन वजीर आजम पाकिस्तान चाहेंगे आइन के मुताबिक, आपने पढ़ा ही होगा आइन, तो उसमें सिर्फ ये हक दिया गया है वजीर आजम को कि जब वो समझें वक्त से पहले अगर चाहें तो इलेक्शन करवा सकते हैं, इस वक्त वो चाह नहीं रहे, तो जब चाहेंगे करवा लेंगे, अभी वो चाह नहीं रहे, तो अभी तो ऐसा ही लगता है कि जो मुअय्यना मुद्दत है वो पूरी करेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन। अच्छा मुसद्दिक साहब, ये बताइए कि जो रूस से आप सस्ता तेल ले रहे हैं तो क्या इसका इंपैक्ट तमाम पर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आर्मी बड़ी में तेल सस्ता है लेकिन पाकिस्तान में वो प्राइसेस बढ़ कर रहे हैं। दूसरा ये कि पहले कहा जाता था कि क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास रिफाइनरीज नहीं, तो अभी वो रिफाइन हो सकेंगे? जी, एक तो ये है कि रूस में बहुत से क्रूड होते हैं, जो हमने उनसे गुफ्तगू की है वो स्वीट क्रूड की, स्वीट लाइट क्रूड की है, तो वहाँ पे 8-10 किस्म के मुख्तलिफ क्रूड हैं जिनमें ज़्यादातर हैवी क्रूड है, हैवी क्रूड का मतलब होता है उसमें सल्फ़र ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की रिफाइनरी, जब कोई रिफाइनरी बनती है तो उसका पहले से आप समझ लें कि वो रिफाइनरी क्रूड के हवाले से बनती है, तो पाकिस्तान की रिफाइनरीज लाइट क्रूड्स के लिए बनी हुई है, तो जिस चीज़ की हम बात करके आए हैं वो रूस का वो लाइट क्रूड है जो हम इंशाल्लाह डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे। हमने अपनी रिफाइनरी से जाने से पहले गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था, एक रिफाइनरी ने कहा कि वो 40-50% ले सकते हैं, बाकियों ने कहा वो 20-30% ले सकते हैं, उनके एसेज वगैरह हमने मंगवा लिए हैं, वो फैक्ट्रियों में यहाँ पे रिफाइनरीज में भेज देंगे, और इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको रेंज बताई है मिक्स करके बाकी मुख्तलिफ क्रूड्स के साथ 50% तक एक रिफाइनरी में और बाकी रिफाइनरीज में 20-30% तक कम अज़ कम इस्तेमाल अभी हमें बताया गया किया जा सकता है। जी अवाम तक नहीं पहुँचेगा तो किस तक पहुँचेगा, कहाँ जाएगा ये अवाम तक? अवाम के लिए तो कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं सर? जी वो तमाम तरीका एक जी एक और छोटी जी दूसरी ये बात है कि आपने सबसे पहले आते ही कहा कि आप लोगों के पास जो सीक्रेट था वो इस दफा
नहीं जो नहीं बाहर हाँ नहीं है, तो क्यों नहीं, अगर इतनी अच्छी पेशकश हो रही है तो हुकूमत उसको हाईलाइट कर रही है, आपके पास क्यों नहीं इस तरह की कोई मीडिया टीम कि वो अच्छी चीज को जो है वो कम से कम मीडिया तक तो दे, एनर्जी सेक्टर के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उन तक तो पहुंचाइए दोनों सेक्टर में, भाई एक क्योंकि तो पावर दोनों में जो है वो जी हाँ, ज्यादा है, एक तो आपका कुछ भी जो है वो सब जब आप रास्ता पूरी रहे लोग ताली देते रहे। एक तो आप इतने मुशाक हैं कि हमें उम्मीद रहती है कि हम जितना मर्जी छिपे छुपाएं आप कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है आप पे जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम बात कर रहे होते हैं तो बाहर टीवी पे आप टिकर चला देते हैं। नहीं लेकिन ये अच्छा है, अच्छा है, ये होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और दूसरी बात भी आपकी बरहक है, और मैंने आपको कहा कि मैं कम अज़ कम आई हैव रिजॉल्व कि हर 10 दिन 12-15 दिन के बाद तमाम जो बीट रिपोर्टर्स हैं मैं उनको बुला के उनको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और वक्तन फवक्तन उनसे गाइडेंस भी लूंगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपका हाथ नब्ज़ पे होता है अवाम की। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एंड यू वुड सी कि हम इसको तब्दील करेंगे। दूसरी आपने जो कहा ना कि वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, देखें हम वी वर इन द मिडल ऑफ निगोशिएशंस, हमारे लिए मुफीद नहीं था कि खबरें बाहर जाएं, हमारे लिए बिल्कुल मुफीद नहीं था, अगरचे खबरें यहाँ पे जो लगी वो जैसे भी लगी कुछ सही कुछ गलत हमेशा इसी तरह होता है, अगर हम ना खबर दे रहे हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन उसका हमें एडवांटेज हो गया क्योंकि हम बड़ी क्वाइटली और डिस्क्रीटली अपनी 2-1 दिन की जो हमारी 3 दिन की निगोशिएशंस थी उसमें हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि बाज़ मरतबा कोई ऐसी खबर लगती है कि चीज़ पोलराइज हो जाती है, एक दिन एक बात हो रही है, उस दिन शाम को लग गई, अगले दिन की सारी गुफ्तगू जो है वो उसकी नज़र हो जाती है, तो ये अच्छा हुआ कि क्वाइटली हम एक डिस्क्रीट तरीके से एक अच्छे तरीके से, उसमें कोई चीज़ सीक्रेट नहीं थी। जब मैं डिस्क्रीट कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि बगैर किसी बाहर शोर के जिसमें आधी बातें सच और आधी गलत हों हम लोग अपना मुआयदा कर पाए जी, वो तय किया जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये 2-3-4 चीज़ें जो हैं तमाम कीमतें, अभी तो हमने प्रिंसिपल सिर्फ तय की हैं, वो तमाम तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। जी जल्द हमें देना चाहिए, जल्द आपने ये कौन गया कि तो कौन गया काउंटर को ले लिए, इनके हम उनके साथ नेगोशिएशन करने वाले हैं जी, जल्द जल्द बिल्कुल। देखिए हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है और हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए गुफ्तगू तो उनसे करनी है और कर रहे हैं और करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, आपके सामने वो भी ले आएंगे जैसे उस पर भी होगी तरक्की हमारी। देखिए हमारा सिलसिला ये है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी कैद में आए, किसी सेंक्शन में आ जाएं, किसी इकोनॉमिक स्ट्रेस में आ जाएं, लेकिन बहुत से मुमालिक जो हैं वो एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं और उन्होंने लीगल तरीक़ाकार जो हैं आपस में तय किए हैं बैठ के जिसके ज़रिए वो ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें भी वो तमाम इनोवेटिव तरीके जो अबव बोर्ड हों उनको सबको देखना चाहिए और फिर देख सोचना चाहिए कि अगर हमें क्या हम क्या कर सकते हैं रादर देन कि क्या वजह है कि नहीं कर सकते। बस फर्क पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में ये है कि वो कहते थे हम आपको बताते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किन तरीक़ाकार के ज़रिए ये हो सकता है जो अबव बोर्ड और लीगल। नहीं, इसमें ये इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं, इसमें कोई बार्गेनिंग वार्गेनिंग नहीं, और इतने इतने बड़े प्लेयर हैं, एक दो कार्गो से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दो कार्गो यहाँ चले गए या एक कार्गो यहाँ आ गया, ये तो एक अजीब सी बात है कि इतने इतने बड़े मुमालिक जो हैं वो 2 कार्गोज़ के लिए उनकी वो हिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है और कतन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पहली बात तो ये है, दूसरा आपका क्या सवाल था? हाँ नहीं, कार्गोज़ अभी मैंने बताया आपको, तफसीलात तय होंगी, वो हम अपनी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट करेंगे, वो अपनी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट करेंगे, वो बैठ के करेंगी, मगर मैं आपको ये बता दूं कि वो ऐसा नहीं कोई एक आध
ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और गुफ्तगू जो है वो बड़े उसके पैराए बड़े वसी थे और बड़े मैक्रो लेवल पे थे। इस वजह से इंशाल्लाह जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कोई डिंकी टॉय कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जी तरीका जी, आई थिंक आपके सवालात जो हैं बहुत स्ट्रेटिजिक और बहुत अहम हैं और उसकी वजह ये है कि हमें वो तरीका एक कार देखे। मैंने आपको बार बार कहा कि सब कुछ जो होगा उसे अबव बोर्ड होना होगा और जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक हम लेकर चलेंगे। बैनुल अक्वामी तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अपना इंटरेस्ट तो वॉच आउट करना, अपने बच्चों का इंटरेस्ट वॉच आउट करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। तो आप ये देखिए कि अगर रूसी तेल जो है वो यूरोप जा रहा है, अगर रूसी पाइपलाइनों से गैस अभी तक यूरोप में जा रही तो भाई पाकिस्तान में क्या है ऐसी बात कि यूरोप खुद आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं खुद वहाँ पे गैस जा रही तो पाकिस्तान क्यों नहीं थोड़ी गैस आ सकती है, एलएनजी क्यों नहीं आ सकती है, थोड़ा पेट्रोल क्यों नहीं आ सकता या थोड़ा खाम तेल क्यों नहीं आ सकता। तो मगर वो तमाम तफसीलात जो हैं वो बिटवीन नाउ एंड द 20th of January 23rd शायद उनका डेलीगेशन अराउंड दैट टाइम वुड कम, वो तमाम तफसीलात इस दौरान में तय की जाएगी। आखिरी सवाल चाहता है प्रोग्राम खान की बात से। सर आपने बड़ी अच्छी बात की जो इमरान साहब की बात की, देखो सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की ज़खायर को आप आए बहुत है या खत्ते कुरान में वे इतना ज़्यादा ज़खायर है कुछ दूसरी मिसाल के देखो उनकी तरफ से दूसरी चीज आ रही है पानी के लिए लोग कुआं खोदते हैं तो अंदर से गैस निकलती है पेट्रोल निकलता है हमें भी बताएं किधर निकले। ठीक 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 बड़ा आपका इश्तहारों के लिए तो आपको मेरे दोस्त बताएंगे या हमारी वजारत बताएगी जिससे मैं आपको जो आपका दो पहला सवाल आपका बहुत अहम है दो एक सेकंड जी एक सेकंड मैं आप में देखें तो खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया था वो ये इतनी बिजली तो पता नहीं गैस